रूस के विदेश मंत्री के दावे के मुताबिक पुतिन पर खुफिया एजेंसियां हमला करवा सकती हैं। हालांकि कई जानकार इस तरह के दावे को आधारहीन भी बता रही हैं। और इस बीच अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की पूर्व खुफिया अधिकारी ने भी पुतिन पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। अमेरिका की पूर्व खुफिया अधिकारी ने कहा कि रूस की उस आशंका को भी नकार दिया गया जिसमें ब्रिटेन या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से पुतिन पर हमले का प्लान बनाने का दावा किया गया था। G20 दुनिया के टॉप विकसित और विकासशील देशों का ग्रुप है। इस ग्रुप के सदस्य देश दुनिया में किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने में सक्षम है। ये वो देश है जो दुनिया का एक तरह से भाग्य तय करते हैं। G20 में पुतिन के नहीं जाने और उनके कत्ल की साजिश की डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले G20 के सदस्य देशों की लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। इनमें 19 देश भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। G20 समिट में युद्ध से जुड़े कई सुलगते सवाल उठने वाले हैं। समिट में 2008 के बाद से रूस यूक्रेन संकट के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। G20 के सदस्य देशों की बैठक में रूस की कार्रवाई पर चर्चा होना तय है। इसके बारे में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का मानना है कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अराजकता फैला दी है। ऊर्जा और खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जब G20 समिट में बात होगी उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन वहां मौजूद नहीं होंगे। G20 से पुतिन का गायब रहने के पीछे कई वजहें और भी बताई जा रही हैं। पुतिन के करीबी भी उनकी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इस दावे में दम नहीं है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की पूर्व खुफिया अधिकारी रह चुकी रिबका कॉफलर ने इस आशंका को खारिज किया है। कॉफलर का कहना है कि पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन पर एक दर्जन से ज्यादा संभावित जानलेवा हमले हो चुके हैं और इन हमलों की हमेशा ही आशंका रहती है, लेकिन ये सूचना आधारहीन है कि अमेरिका या ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां ऐसी कोई योजना बनाएंगी। सवाल ये है कि अगर हत्या का डर सच नहीं है तो आखिर पुतिन G20 बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते हैं? पहली वजह, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक वजह यूक्रेन के शहर खेरसोन में रूसी सेना के कुछ बड़ा करने की योजना हो सकती है। दूसरी वजह, पुतिन खेरसोन की हार के साथ विश्व मंच पर किसी नेता से नहीं मिलना चाहते। तीसरी वजह, घरेलू मोर्चे पर हो रही पुतिन की शिकायत। चौथी वजह, खुफिया एजेंसी को पुतिन के जान पर खतरे की कोई ठोस जानकारी मिली हो। पुतिन के क्रेमलिन वाले किले से हवा भी सुरक्षा गार्ड से पूछकर बहती है। ऐसे में G20 में पुतिन के नहीं आने के एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं और ये भी तय माना जा रहा है कि भले ही रूस ने खेरसोन से अपनी सेना हटाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की इस योजना पर सवाल उठाते हुए इसे उसकी एक चाल बताया है। यूक्रेनी सेना ने खेरसोन से रूसी सैनिकों की वापसी को एक ट्रैप कहा है। रूस ने कहा है कि खेरसोन से उसके सैनिकों के हटने के बावजूद ये रूसी नियंत्रण वाला इलाका ही रहेगा। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है वो तो एक्शन जब होंगे तब सामने आएगा। इस बीच रूस के कट्टर दुश्मन देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक बयान आया है जो क्लियर करता है कि ब्रिटेन के नए PM ऋषि सुनक की पुतिन को लेकर मंशा क्या है। यहाँ जरूरी है वो सवाल कि जब ऋषि सुनक सरकार ने ब्रिटेन में 40 बिलियन पाउंड के राजकोषीय घाटे को पाटने को अपनी प्राथमिकता बनाई है
तब क्या वो यूक्रेन को पर्याप्त सहायता दे पाएगी? ऋषि सुनक का ये बयान सुन लीजिए, समझते देर नहीं लगेगी। ये G20 शिखर सम्मेलन हमेशा की तरह व्यावसायिक नहीं होगा। हम G20 जैसे संप्रभु मंचों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मान के लिए पुतिन के शासन को हटाने की अपील करेंगे। तो रूस लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि ब्रिटेन की सेना की तरफ से यूक्रेन को मदद दी जा रही है। रूस का दावा यह है कि ब्रिटेन की सेना यूक्रेन की ओर से मोर्चे पर डटी हुई है। दावा यह भी किया गया है कि ब्रिटेन ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी वजह से रूस ने भी ब्रिटेन को जवाब देने की बात कह दी है। पुतिन सरकार का पहले बयान भी आ चुका है कि मॉस्को के मिसाइलों का मुंह लंदन की ओर कर दिया गया है और लंदन रूस की मिसाइलों की जद में है। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ टिके रहने वाले देशों में टॉप पर है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन हो या लिज ट्रस या ऋषि सुनक, किसी के आने से पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन की दुश्मनी का इरादा नहीं बदलने वाला। ऋषि सुनक का G20 के सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सामना होगा। तब क्या कोई बात होगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। और इस बीच यूरोप से हथियारों का जखीरा यूक्रेन पहुंचना जारी है। पुतिन को खेरसोन की हार से ज्यादा चिंता जेलेंस्की को हो रहे हथियारों की सप्लाई से है, क्योंकि जब तक ये यूक्रेन पहुंचते रहेंगे पुतिन परेशान रहेंगे। इस साल 24 जनवरी से 3 अक्टूबर के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए 2700 करोड़ यूरो की सहायता घोषित की। ब्रिटेन ने करीब 400 करोड़ की सहायता दी है। यूरोपियन यूनियन के संस्थान इन दोनों देशों से बहुत पीछे हैं, जहां से यूक्रेन को 250 करोड़ यूरो की मदद का वादा मिला है। पोलैंड ने 200 करोड़ यूरो कीमत के हथियारों की सप्लाई की है। ये हथियार ही पुतिन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। ब्रिटेन तो सिर्फ जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई ही नहीं करता, बल्कि उसे कूटनीतिक मदद भी पहुंचाता रहता है। अभी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन हथियारों का फ्रेश कंसाइनमेंट यूक्रेन भेज रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन को 200 करोड़ पाउंड की आर्मी मदद दी जाएगी। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, लॉजिस्टिक व्हीकल, मैरिटाइम ब्रिमस्टोन मिसाइल, 4.5 प्लास्टिक विस्फोटक, हेलमेट, बॉडी आर्मर, मेडिकल सप्लाई, नाइट विजन डिवाइस, सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। ब्रिटेन पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने में अव्वल रहा है और यही कारण है कि पुतिन सरकार कह चुकी है कि उसकी मिसाइलों का मुंह लंदन की ओर है और लंदन रूस की मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। ब्रिटेन और रूस के बीच की दुश्मनी की कहानी सदियों पुरानी है। उसकी डिटेल में ना जाते हुए युद्ध के दौरान ब्रिटेन और रूस में तनातनी का लेवल, आरोप प्रत्यारोप का लेवल क्या है, जरूर देखना चाहिए। रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन को सीधे तौर से युद्ध में मदद का गंभीर आरोप लगाया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से उसके ब्लैक सागर फ्लीट के युद्धपोत और कार्गो शिप पर हमला बोला। ब्रिटेन ने कहा कि उसने रूस के साउथ अटलांटिक पाइपलाइन को उड़ाने का प्लान फेल कर दिया। ये पाइपलाइन ब्रिटेन की एयरफोर्स, अमेरिकी स्पेस एजेंसी और एक नेवी बेस के लिए बेहद अहम है। ब्रिटेन की आर्मी यूक्रेन की ओर से मोर्चे पर लड़ रही है। ब्रिटेन कहता है कि पुतिन जानबूझकर सिविलियन लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। इस बीच बाली में हलचल तेज हो गई है। शी जिनपिंग और अमेरिका के जो बाइडेन की मुलाकात हो चुकी है। यूक्रेन का सवाल जब उठेगा तो उसकी हर डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि बाली में उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन युद्ध का द एंड सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की भर का मसला नहीं रह गया है, इससे पूरी दुनिया जुड़ी है और फैसला भी बिना बीच उतरे हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पुतिन का किरदार पीछे हटने वालों से नहीं है, ना ही जैसा कि अब तक दिखा कि जेलेंस्की सरेंडर कर देने वालों में से हैं। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मंच से ही शांति का प्रस्ताव लाया जाए तो शायद पुतिन और जेलेंस्की दोनों इस पर विचार करने के लिए तैयार हो जाएं।